नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। एलजेपी का बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, एलजेपी ने कह दिया है कि गिर जाएगी नीतीश कुमार की सरकार। जी हाँ, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में जदयू को बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद सियासत काफी गर्म हो गई है। आज कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। जी हाँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक की जा रही है जदयू की तरफ से, और इसमें अहम फैसला लेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का फैसला भी सामने आना, इससे पहले एलजेपी ने एक बार फिर से तंज कस दिया है नीतीश कुमार को लेकर के, बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि नीतीश सरकार नहीं टिकने वाली है बिहार में। अनुराग के पास चलते, क्या कुछ खबर है अनुराग? बिल्कुल स्नेहा, आपने जो कहा कि जेडीयू एक तरफ बैठक कर रही है, तमाम जो है बैठक में 25 कद्दावर नेताओं के साथ जो नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, और बैठक के पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि बैठक के पहले जिस तरह से नेताओं ने चुप्पी साध ली थी अरुणाचल प्रदेश के मामले पर, अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायकों को बीजेपी ने तोड़ दिया, अपने पाले में कर लिया। उसके बाद जेडीयू के अंदर इस बात को लेकर खासा गुस्सा है, क्योंकि नेता मुंह नहीं खोल रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, पर अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है, ये बातें हमने बताई। और जेडीयू जहां इस बात को लेकर गुस्सा में है, बीजेपी बार बार जो है तमाम तरह की सफाई सुलह दे रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर जो डिप्टी सीएम है रेणु देवी, अभिभावक बता रही हैं नीतीश कुमार को, वही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि ये अरुणाचल का मामला है, बिहार में सब कुछ ऑल इज वेल है, ये बात बता रहे हैं। हालांकि विपक्ष तमाम तरीके से घेर रहा है। इस बीच आपने जो कहा कि एलजेपी का बड़ा बयान सामने आ गया है, जी हाँ, बड़ा बयान सामने आया है, और एलजेपी का जो बयान है कहीं ना कहीं तेजस्वी के रास्ते पर जाता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने कह दिया था बिहार में अपने नेताओं को, अपनी बैठक जो हुई थी उसमें कह दिया था कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, आप तैयार रहिए, 2021 में चुनाव होंगे, तो अब एलजेपी भी कुछ उसी रास्ते पर चल दी है स्नेहा। और इस वक्त बड़ा बयान आया है एलजेपी की तरफ से, और एलजेपी के कद्दावर नेता यानी एलजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और सांसद हैं प्रिंस राज यानी राम विलास पासवान के भतीजे और चिराग पासवान के भाई, चचेरे भाई प्रिंस राज, ने बड़ा बयान दिया है। दरभंगा से ये खबर आ रही है सामने, और वहां पर उन्होंने प्रिंस राज ने साफ तौर पे कह दिया है कि नीतीश सरकार नहीं चलेगी, गिर जाएगी सरकार, नीतीश की सरकार, और बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, मतलब बिहार में री इलेक्शन होंगे, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है। मतलब कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव ने भविष्यवाणी की है, उस भविष्यवाणी पर अब एलजेपी ने भी मुहर लगा दी है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एनडीए में जो उठा पटक है वो शुरू हो चुका है। कितना भी बीजेपी की तरफ से सफाई दिया जाए, रेणु देवी सफाई दे रही है, संजय जायसवाल सफाई दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के अंदर तूफान चल रहा है और बड़ा फैसला वो ले सकते हैं अनुराग। बिल्कुल, ये बात तो सब सामने आ रही है स्नेहा, पर जिस तरह से एलजेपी का बयान सामने आया है, प्रिंस राज का बयान सामने आया है, कहीं ना कहीं बिहार में कुछ और, मतलब कि तमाम तरह के संकेत मिल रहे हैं स्नेहा, कुछ अलग तरह के संकेत है, क्योंकि जेडीयू के अंदर गुस्सा है बीजेपी को लेकर, बीजेपी की इस करतूत को लेकर, क्योंकि केसी त्यागी ने साफ तौर पे कहा, केसी त्यागी ने कहा कि उन्होंने मित्रता जो है निभानी चाहिए थी बीजेपी को, मित्रता नहीं निभाई है, ये बात केसी त्यागी ने बैठक के पहले कही है, और मतलब एक तरह से कहा जाए कि जेडीयू ने संकेत दे दिए कि वो गुस्से में है बीजेपी की इस कार्रवाई से। इस बीच तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, तमाम तरह के जो पासे भी फेंके जा रहे हैं, आरजेडी की तरफ से तो ऑफर पे ऑफर भी मिल रहे हैं नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार आ जाए, अभी भी सोच लें, अभी भी समझ लें, वक्त है, बीजेपी क्या कुछ कर सकती है वो दिख रहा है, और बिहार में भी वैसा ही कुछ खेल करेगी, ये बातें आ रही है। और इस बीच जो एलजेपी ने बड़ा बयान दे दिया है, प्रिंस राज जो बड़े नेता हैं, सांसद हैं, और उसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और चिराग पासवान के खासम खास, मतलब सबसे करीबी हैं प्रिंस राज, और उन्होंने ये बात कह दी है कि बिहार में चुनाव होंगे और मध्यावधि चुनाव होंगे, नीतीश सरकार नहीं चलेगी, ये बातें उन्होंने कही है। इस बीच जो है पार्टी की तरफ से एक और बयान आया है, जो रामेश्वर चौरसिया है, जो पिछले दिनों बीजेपी छोड़कर चले गए थे एलजेपी में, और उन्होंने चुनाव लड़ा था सासाराम से, हालांकि हार गए, पर जो उन्होंने भी एक बड़ा बयान दे दिया है, और उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी अरुणाचल प्रदेश की तरह खेल ही जो है बिहार में भी करेगी। बीजेपी में काफी दिनों तक रहे हैं रामेश्वर चौरसिया, लंबे समय तक वो रहे हैं, और
बिहार में विधायक रहे हैं और उस उन्होंने उन्होंने जो है बीजेपी के बारे में कह दिया है कि बीजेपी बिहार में भी अरुणाचल प्रदेश की तरह ही खेल करेगी, यानी उन्होंने भी कह दिया है साफ तौर पर कि बिहार में जेडीयू टूट जाएगी, जेडीयू का अस्तित्व खत्म कर देगी बीजेपी। तो रामेश्वर चौरसिया ने भी बड़ी बात कह दी है, मतलब एलजेपी की तरफ से बयानों के जो है तीर चल रहे हैं जेडीयू के ऊपर स्नेहा, और ये जो बातें सामने आ रही है कि जेडीयू टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी और बीजेपी तमाम तरह के चाल चल रही है। और प्रिंस राज ने तो आगे बढ़ते हुए कह दिया कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होने तय हैं और जो मध्यावधि चुनाव होने तय हैं और सरकार नहीं चलेगी, गिर जाएगी। स्नेहा तो बड़ी बात कह दी है प्रिंस राज ने, एलजेपी की तरफ से ये बयान सामने आया है कि बिहार में मध्य अवधि चुनाव होकर रहेंगे, यानी सरकार नहीं चलने वाली है, नीतीश सरकार नहीं चलेगी। तो ये बड़ी बात है, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी पर मुहर लगाते हुए नजर आ रही है एलजेपी। अब देखने वाली बात होगी कि जब नीतीश कुमार फैसला क्या लेते हैं, बैठक खत्म होती है उसके बाद जो वो फैसला लेंगे उस पर निगाहें टिकी होंगी, लेकिन एलजेपी ने ये बड़ी बात कह दी है। अब देखना ये होगा कि फैसले के बाद नीतीश कुमार का क्या डिसीजन आता है, और साथ ही आपको बता दें कि चुनाव होंगे या नहीं इसके भी इसे भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।